नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर 24 न्यूज़। मैं हूं आपका शिखा। ये रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। भारत देश में हर वर्ष 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन स्कूलों में तरह तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। किंदराई हायर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षक दिवस मनाया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी गई। शिक्षकों ने बच्चों को भाषण के माध्यम से गुरु शिष्य के महत्व को समझाया गया। शिक्षक सही मानने में कहा जाए तो विद्यार्थी का जीवन सफल करते हैं। शिक्षक ही समाज की आधारशिला है। इस मौके पर संस्था के प्राचार्य दुर्ग सिंह पुनः, शिक्षक महेश नागेश, राजकुमार मारवी और समस्त स्टाफ और सरपंच संगीता करियाम, साथ ही ग्रामवासियों की उपस्थिति रही। सोमनाथ धार्मिक की रिपोर्ट। जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया है, मैं भी और मेरे साथी हैं, शिक्षक साथी और जो भी व्यक्ति आकर के यहाँ तक पहुँचा है, एक बार उस शिक्षक को या मार्गदर्शक को जो आपको सबसे ज्यादा इस समय याद आता होगा कि इनने हमें जो है इस जगह पे पहुँचाने के लिए हमें वह काम किया है। काम पढ़ाते सब हैं, पढ़ते सब हैं, मगर कोई एक ऐसा शिक्षक होता है जो आपको ऐसी बात बताता है बड़े मर्म के साथ में, और वो है जो है आपको बात आपके मन मस्तिष्क में जब बैठती है तब आगे बढ़ते हैं। ये तो पढ़ते बहुत हैं, 1.5 करोड़ की जनसंख्या भारत में, और सब पढ़ रहे हैं, सबने परीक्षा दी है, कुछ लोग पास हुए हैं, कुछ यहाँ तक पहुँचे हैं, तो कुछ ना कुछ तो है उनके पास में जो यहाँ आकर के बैठे हैं। तो हम अपने गुरु को कहना चाहिए या शिक्षक को याद करके एक बार उनके तरफ थोड़ा सा अपना, जब मैंने 11th में एडमिशन लिया बच्चे तो एक लड़के, ये गलत बात बोल रहे हैं, अपनी एनर्जी दे रहे हैं तो ले लो। विश्वकर्मा जी करके थे और पढ़ाने का तरीका बड़ा अटपटा था उनका, कोई ऐसा नहीं पढ़ाता है ना हमने कभी पढ़े हैं, पर तरीका था अच्छा उनका। आए ब्लैक बोर्ड में लिख दिए, जिसके समझ में आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, अब जिसकी हिम्मत है तो पूछ लो कि क्या समझ में नहीं आए है ना, हिम्मत है तो पूछ लो, और जिसने पूछ लिया तो वही तो आगे बढ़ता है। ऐसे कितने बच्चे हैं जो पूछते हैं, पूछना चाहिए, ये अंदर आपके जगाओ कि हाँ ये चीज हमें नहीं बन रही है तो हमें उसे पूछना चाहिए, है ना। नहीं तो पता चला बैठे हैं, बेइज्जती होगी करके पूछते चले हैं, है ना। एक बार पूछेंगे अंदर से आपकी तो झिझक मिट जाएगी, दो बार पूछेंगे अपने आप, जब जिस बच्चे को नहीं भी बन रहा था जिसको बन गया है, यदि उसने पूछ लिया तो आगे की बात तो बनेगी ना। एक यदि पूछ रहा है तो क्लास में 40 बच्चे रहते हैं, 40 का फायदा होगा, एक बच्चे के पीछे कितने का फायदा होगा, 40 बच्चों का फायदा होगा। तो ये हमें अंदर से जो है सबके मन में होना चाहिए कि हमें आगे बढ़ना है। धन्यवाद। शिक्षक मानव जीवन कैसा है, सार्थक नहीं है शिक्षक के बिना। तो हर किसी के जीवन में एक गुरु या शिक्षक जरूर होता है ना। मेरे जीवन में भी रहा है, तब मैं जाके यहाँ आज एक शिक्षक बना हूँ। इसलिए हम सभी को सदा शिक्षक का मान सम्मान करना चाहिए और उनकी बातों पर अमल करना चाहिए। आप दुनिया में सबसे पहले कहते हैं, सबसे पहली
शिक्षक माँ होती है ना, और उसके बाद दूसरा शिक्षक जो आपको स्कूल में पढ़ाता है ना, जो आपको वह ज्ञान देता है जो समाज में और पूरे देश दुनिया की जानकारी आपको बताता है। तो पुनः मैं कहूँगा कि हमें शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए, उनकी बातों का अमल करना चाहिए, ठीक है ना, कहते हैं अपना स्थान। सम्मानीय हमारे इस ग्राम की प्रमुख सरपंच मैडम, हमें बहुत गौरवान्वित महसूस हुआ, मध्य प्रदेश शासन का भी इस वर्ष हमें सूचना आदेश था, आपके ग्राम के मुखिया, ग्राम पंचायत के मुखिया एवं आपके कुछ पालकों, सभी पालकों को शिक्षक दिवस, शिक्षक की भूमिका, छात्रों में क्या शिक्षक से संबंध होता है, इस विषय में आज के दिवस में उन्हें बुला करके उनसे चर्चा करें, उनके बीच में से साझा करें, ऐसा हमें शासन से भी निर्देश थे। हमारी सम्मानी कौशली सर जी, सम्मानी नागेश सर, मेरे समस्त शिक्षक मरावी जी, शिक्षिका साथी।